समाहित करने योग्य है, विवेचन की दृष्टि से सही है, तो उसको सम्मिलित करना है। अब इसके बाद जो मैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता, क्योंकि ये लंबा विषय है, पहली चीज तो चरक संहिता से हम क्या सीख सकते हैं, इसकी प्रसिद्धि विदेशों तक गई, 9वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में भी आनोदित होकर के अरब देशों में चली गई थी। और चरक संहिता का जो वर्तमान चरक संहिता है उसकी कुछ बड़ी विचित्र चीजें हैं, जैसे जो अरब देशों में चरक संहिता के अनुवाद थे उसमें इसके सर्प चिकित्सा प्रकरण का बहुत अच्छा वर्णन है जो वर्तमान चरक संहिता में प्राप्त नहीं था। शायद अगर कहीं हो तो मैं नहीं वो कर सकता, मेरी दृष्टि में तो ऐसा नहीं है जहां सर्प चिकित्सा का कोई वर्णन हो, विष चिकित्सा में है लेकिन उतना वो नहीं है जितने के लिए उसकी प्रसिद्धि कही जाए, इसके प्रसिद्ध विद्वान थे। तो इस तरह से दूसरी चीज यह है कि चरक संहिता सबसे पहले आपको शिक्षा देती है कि आप किसी भी चीज को एम्पिरिकली मत ग्रहण करें। फर्स्ट लेसन ऑफ द चरक संहिता स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड विच टीचेस यू नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग एम्पिरिकली। आयुर्वेद अवतरण पढ़ा है सारे बच्चों ने, इंद्र के पास गए, इंद्र ने ज्ञान दे दिया, कहा कौन सा ज्ञान दे दिया, हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य दुर्परायणम, ये बीमारी का कारण है, ये बीमारी के लक्षण है, ये बीमारी का निदान है। महर्षियों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया, इतने से हम संतुष्ट नहीं होते, हम क्या करेंगे, वी मस्ट नो द कॉज बिहाइंड, क्यों इस हेतु से लिंग उत्पन्न हो जाता है, किस इस औषधि से लिंग समित हो जाता है, इनके पीछे रीजनेबिलिटी क्या है, रेशनलिटी क्या है। और तब तक महर्षियों ने उसको स्वीकार नहीं कहा, महर्षि तदृशी रथाव ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायम च तद्ज्ञात्वा। तब तंत्र में तंत्र उत्तम विधिमास्तितम तब हुई, इसके पहले उन्होंने सुन लिया, हाँ ठीक है अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन अपने से जब तक उसका विवेचन नहीं किया कि हेतु से लिंग कैसे उत्पन्न होता है, औषधि से लिंग समित कैसे होता है, जब तक उसकी रेशनलिटी नहीं हुई, तो इट इज द फर्स्ट लेसन टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम द चरक संहिता कि आप जब भी किसी तथ्य को पाइए आप उसको लीजिए, देखिए, स्वीकार करिए, लेकिन जब तक उसकी रेशनलिटी नहीं आपके समझ में आती, रीजनेबिलिटी समझ में नहीं आती, तब तक उसको एकदम से एक्सेप्ट मत कर लीजिए। सारे महर्षियों ने ध्यानावस्थित हो गए और जब इन तत्वों को देख लिया कि हेतु से लिंग कैसे उत्पन्न हुआ सामान्यम, औषधि से लिंग समित कैसे हुआ विशेषम, ये सामान्य विशेष किसका कहा गुणान, का गुण कहाँ मिलेगा का द्रव्य में, का द्रव्य में तो गुण बराबर रहता है, आधा किलो पैरासिटामॉल जेब में रख के हम बैठे रहे और 100 डिग्री टेम्परेचर उतरेगा नहीं, क्योंकि गुण उसमें है, कर्म नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, गुणानि द्रव्याणि कर्म च ऐसा। और इन सब के रिलेशनशिप को, और यह जो समवायात्मक रिलेशनशिप है, जब तक यह सिद्ध नहीं होगी किसी हेतु की समवायता आप सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे हम कहें इस चीज से कैंसर उत्पन्न होता है, अगर इस रिलेशनशिप के समवाय संबंध को हम नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं तो हमारा यह करना स्टेटमेंट टोटली एब्सर्ड है और इसका कोई मतलब नहीं है विज्ञान की भाषा में, उस समवाय संबंध को हमको सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरा लेसन यह है चरक संहिता का, कि चरक संहिता में दूसरी बात जो कही वो आज के विषय की सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक शब्द में ये शुरू किया कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आत्मस्य विकारवशात्। मीन्स व्हाट, स्वस्थ आपकी प्रकृति है और अगर आप अस्वस्थ होते हैं इट इज एक्सीडेंट एंड यू हैव टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के क्या रूल रेगुलेशन है, आप अपनी स्कूटी पर कैसे चलें, सड़क पर कैसे चलें, इस नियम को फॉलो करें, अगर इसका आप पालन करते हैं तो आप वो बीमारी को मानते थे कि ये हमारे स्वस्थ वृत्त का फेल्योर है,
जैसे हमने ठीक से नियम पालन नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया, तो बीमारी होना एक एक्सीडेंट है, आपकी प्रकृति में विस्थापन हुआ, आप प्रकृति में नहीं रहे। और यह चीज इतनी बड़ी है कि आपके स्वास्थ्य बजट के आज मोर देन 80% ये खा रही है, और ट्रामा सेंटर का 95% लोड इसी का परिणाम है, क्योंकि हम स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त का पालन नहीं करते। हमारी ईगो आसमान पर चढ़ी हुई है, वो हमारे कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाए हुए है, कहीं कुछ किए हुए है, कहीं कुछ किए हुए है, गाड़ी चलाते समय, सड़क पर चलते समय। स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त दो चीजें जीवन से गायब हुई और कलयुग आ गया। हेल्थ बजट बढ़ गया, नॉनसेंस बजट, ट्रामा सेंटर का 95% बजट नॉनसेंस बजट है, जो टू एक्सीडेंट्स नहीं है। कांवड़ लेके जा रहे थे, कांवड़ चढ़ा के आए, इतने उत्साह में आए, एक्सीडेंट कर लिया। कल मैं आ रहा था तो तीन लड़के बैठ के ऐसे ऐसे बाइक नचा रहे थे, मुझे लगा अब लड़ा अब लड़ा अब लड़ा, बाद में बच गया। ये सब क्या है? अच्छा मान लीजिए वो सब लड़े, किसी और को भी तो अनावश्यक नुकसान कर सकते थे। हम अपने देश का इतना बड़ा बजट, मुकदमा कचहरी 90% बजट हमारे इसी असदवृत्त का परिणाम है, देखने में नहीं लगता। जिस दिन आपके दिमाग में आ जाए कि स्वस्थ रहना, समुचित रहना हमारी अपनी मूल प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव से विकृत हो रहे हैं, इस नाते हमारे साथ बीमारियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हमारा हेल्थ बजट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं है। आप हेलमेट लगा के चलो, आप लोहे का जीरह बख्तर पहन लो, कवच लगा लो, लेकिन अपने को ठीक करना ये सबसे खराब बात है, इसकी कोई शिक्षा नहीं। चरक का दूसरा लेसन यह है कि आपको अपने स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त का ध्यान रखना है। इसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को आज ऐसे स्थान पर रखा कि जहां आप अपनी सारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति यही होती है। तीसरी चीज है स्वास्थ्य की अवधारणा। ये चरक का एक अपना विवेचन है। स्वास्थ्य की अवधारणा, स्वास्थ्य की परिभाषा पूछें, सारे लोग बता देंगे, सम दोष समाज निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय। लेकिन चरक एक्सेप्ट करते हैं कि आइडियल कंडीशन है, समयोग सुदुर्लभ है, ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है। आप कहते हैं हम प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं, उसी कोई व्यक्ति प्रकृति भूत है, हमारा प्रकृति परीक्षण करने आए, हमारा दिमाग खराब है, 1.5 घंटे यहाँ लेट हो चुके हैं, उधर भी जाना है, सेमिनार वाला बैठा है, हम अपने मूल प्रकृति में है, मेरा परीक्षण हो पाएगा? और रोगी का प्रकृति परीक्षण, वो तो ऐसे ही प्रकृतिस्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य कि आइडियल कंडीशन और जो हमारा प्रैक्टिकल कंडीशन है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, और प्रैक्टिकल कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स होना चाहिए। यस, वो परिभाषा सही है, आइडियल कंडीशन है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन हमारी अन्य विधाओं में है, और उसकी उन्होंने अलग से परिभाषा दी कि अगर ये चीजें उस व्यक्ति में रहे तो वह रोग के बल से अभिभूत नहीं होगा, वो अपने को बचा के रखेगा, लगभग वो प्रतिष्ठित रहेगा, स्वास्थ्य की स्थिति में रहेगा। और इतना ही नहीं, ये तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, सूक्ष्म विवेचन करें, आपके आहार से विहार से आप में धैर्य क्यों नहीं होता? कभी आपने पढ़ा कि धैर्य किसका गुण है, किस धातु का गुण है, किस महाभूत का गुण है, कौन से आहार में पाया जाएगा, धी और धृति आपके भीतर होने के लिए कौन से आहार की आवश्यकता है कि आप वो ले रहे हैं? सामान्य बात है, चाउमीन बर्गर खाएंगे तो धी स्मृति बुझ की कमी अगर होगी आप में, आपके भीतर ये गुण नहीं आएंगे, और आप सारा आहार ऐसा ले रहे हैं जो बुझ के गुणों के विपरीत हो, आपके भीतर अपने आप इरिटेशन आएगा, गुस्सा आएगा, इगरनेस आएगा, एंग्री आएंगे, और आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और आज हम अपने आहार विहार के माध्यम से तो एक छोटे छोटे सूत्र हैं जहां से उन्होंने अपनी उपयोगिता बताई कि हम यहां से इस पूरे समाज को ठीक रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र चीज है, कभी आपको लगता है कि क्या एक सामान्य बात रही होगी, चरक संहिता पढ़ें, दशई मानी वल्यान,
ये हृदय है, सारी मेडिसिन हैं सेपरेट, सबके अपने अपने प्लांट हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई लंबा है कोई मोटा है, कोई कहीं पाया जाता है कोई कहीं पाया जाता है, और उनके सिमिलर क्लिनिकल प्रॉपर्टी को एक जगह इकट्ठा कर देना। माइंड इट, मैं बात क्या कर रहा हूं, एक प्लांट है जिसके वेरियस हैबिटेट्स हैं, उसके अपनी प्रकृति भी, कोई दसमूल है कोई लघु पंचमूल में है, कोई झाड़ी में है, कोई पौधे में है, कोई पानी में है, और सारी प्रॉपर्टीज को करके कि ये हृदय गण है। एक छोटा सा काम है क्या, किसी व्यक्ति को आप बता दीजिए कि ये इतनी इतनी औषधियां खोज करके ले आओ, और ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सामान्य तो है कि सारे औषधियां हृदय है, ये सारी औषधियां गर्भस्थापन है, ये सारी औषधियां ये जनन है। एक बहुत बड़ा काम था, और उनके गण बनाना सामान्य विशेष का सबसे पहला प्रयोग संहिता में यहीं से शुरू हो गया, एक सामान्य गुण और फिर उनके विशेष विशेष चीजों के। ये बहुत बड़ा काम रहा होगा किसी समय के लिए कि अनेक स्थान पर अनेक लक्षणों वाली अनेक औषधियों को एक क्लिनिकली प्लेटफॉर्म पर ले आना कि ये अस्तन्य जनन है, तरह तरह की चीजें हैं, और उनमें भी प्रधानता उनकी बराबर गुण देखना, ये इसमें प्रधान है इसमें प्रधान है। मेरा जो अनुभव है, एक चीज चरक संहिता में आप देखें, निदान स्थान 8 रोगों का वर्णन है, चिकित्सा में लगभग 30 अध्याय हैं, इतने से सारा आयुर्वेद चल रहा है, और लोग कहते हैं कि चरक, अभी प्रोफेसर गोस्वामी जी ने कहा कि चरक वालों का सम्मान देश में है और देश से अधिक विदेश में है, इतना सारा थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए आपको, 30 अध्याय चिकित्सा पढ़ा दिया जाए, 8 के रोग निदान पढ़ा दिए जाए, आप देश विदेश में सारी औषधियों के सारे रोगों की चिकित्सा करके सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आखिर फिर कौन सा पॉइंट है कि जिसके नाते कहा जाता है कि इसके जानने वाले और प्राप्त करते हैं, आदरणीय हैं, लोग उनके लिए डेडिकेटेड है कि उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया, चरक से किया और मैं ठीक हो गया। यानी आपके पास रिवर्स फार्माकोलॉजी कितनी भी करनी हो कर लीजिए, लेकिन आपके पास ये उदाहरण है, यह सत्य है, घटना है, और उसके पीछे मूल सिद्धांत यह है कि रोग रोगी औषधि के परीक्षण की अवधारणा और आपके लिए एक लैंडमार्क। और चरक संहिता सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने रोग जो बताया, एक तरह से क्लिनिकल सिस्टम सिम्टम्स के रूप में शुरू किए, ज्वर, रक्तपित्त, ये उन्माद है, अरे सामान्य व्यक्ति में कहते हैं भैया ये तो उन्माद में जैसे लग रहा हो गया हो, इतना ही नहीं जो इसके हैं, बाद के नानात्मक जो रोग हैं, सारी सिम्टोमेटोलॉजी है, लक्षणों के आधार पर उन्होंने उसकी पैथोजेनेसिस को जानने का प्रयत्न किया। एक पकड़ा, जैसे किसी को फीवर आ रहा है, उसको सेप्टिसिमिया भी हो सकती है, उसको मलेरिया भी हो सकता है, काला आजार भी हो सकता है, आपको क्लिनिकली स्टार्ट करना है यहां से। और यह जो उनकी अप्रोच रही वो बड़ी विचित्र है, और जो लोग इन लक्षणों की भाषा समझ लेते हैं और फिजियोपैथोलॉजी को जान लेते हैं, वह लोग चरक के अनुसार कार्य करके चिकित्सा करने में सफल होते हैं। हम लक्षणों की भाषा नहीं समझते, हम लक्षणों की भाषा को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो इन लक्षणों की भाषा को अच्छे से समझते हैं कि हमारी प्राण शक्ति क्या बताना चाहती है, कि मुझे कहाँ कमजोरी है, मुझे कहाँ हेल्प की जरूरत है, कौन सा फ्रेंड मेरा कमजोर हो रहा है। कुछ चिकित्सा में तो इतने उदाहरण है कि अब विद्वानों के सामने मैं क्या बताऊं, बहुत समय हो जाएगा। दूसरी चीज जो हमारे यहां सैद्धांतिक रही है, चरक संहिता में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के और सृष्टि संतुलित होने तक जो सांख्य और योग की अवधारणा का उन्होंने समावेश किया है, और उस अवधारणा के समावेश से एक लाइन की फिजियोपैथोलॉजी बना थी, शायद विश्व के किसी भी मेडिकल ग्रंथ में नहीं होगा।
किसी भी मेडिकल ग्रंथ में नहीं होगा। और यह ट्रू है, किसी भी विधा के लिए ट्रू है, एषा मेव हि भावानां संपत् संजय नर। जिन भावों के संपत होने से, एप्रोप्रिएट होने से जीवन की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उन्हीं भावों के असंपत होने से रोग उत्पन्न होता है और सृष्टि नष्ट हो जाती है। एक लाइन की फिजियो, संपत है, फिजियोलॉजी चल रही है, असंपत हुआ, नष्ट हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खराब, घट गया, खराब, नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात है, ब्लड शुगर बढ़ गया, खराब, घट गया, खराब, संपत है, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी चीजें पेशा में भी, एक भाव की बात नहीं की है, तो मैं छोटे छोटे भाव बता रहा हूं, जिनके संपत होने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के असंपत होने से सृष्टि का नाश हो जाता है, पूरी फिजियोलॉजी। और दो लाइन के एक सिद्धांत बता दिया, किसी भी चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग करके देख लो, क्या बताया, शरीरम सत्व संगम च व्याधि नाम आश्रयो मत है। शरीर और मन व्याधियों के दो आश्रय है, एक शरीर और एक मन, दो जगह व्याधियां होती है। और अगली लाइन में जोड़ दिया तथा सुखानाम, यही शरीर मन सुखों के भी आश्रय है। अब योगस्तु कारणम सुख है, जो सुख उत्पन्न करने वाले कारणों से संयोग कर देंगे तो सुख उत्पन्न होगा, और यदि दुख उत्पन्न करने वाले साथ कारणों से संयोग कर देंगे तो दुख उत्पन्न हो जाएगा। किसी व्यक्ति की अवस्था विशेष में कौन से कारण उसके लिए सुख उत्पन्न करने वाले हैं और कौन से कारण उसके लिए दुख उत्पन्न करने वाले कारण हैं, इन्हीं कारणों का ज्ञान करके सम्यक योग करना, यही चिकित्सक का कर्म है। किसी में ब्लड शुगर कम हुआ है, गिर पड़ा है, उसको क्या करना है, और किसी में हाई हो गया है, गिर पड़ा है, उसमें क्या करना है। एक छोटे उदाहरण में बता रहा हूं, किसी भी अवस्था में कोई चाकू लगा के आया, गोली लगा के आया, किसी को कहते कि नहीं तुम्हारा ऑपरेशन अभी नहीं करें, तुम्हारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, और किसी को कहेंगे इसको इंसुलिन लगा, तुरंत ले चलिए, इसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही है। किस अवस्था में कौन से कारण उसके लिए सुख उत्पन्न करने वाले हैं, इसका निर्णय चिकित्सक की बुद्धि के व्यापार पर है, उस व्यक्ति के बुद्धि व्यापार पर है, और इसी का सम्यक निर्णय करने वाला व्यक्ति चिकित्सा में सफल होता है, योगी चिकित्सक। ऐसे इतने सारे सिद्धांत हैं चरक संहिता के, जिनके एक एक दो दो लाइन की विधाओं का प्रयोग करके, इसलिए मैंने उन चीजों को कहा जो किसी भी चिकित्सा व्यवस्था के लिए सही हो, चाहे वह आयुर्वेद की हो, चाहे एलोपैथ की हो, चाहे किसी भी पैथी की हो, इसका ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, किसी भी तंत्र में इसकी कोई काट नहीं है। तीसरी चीज, चिकित्सा की जो व्यापक योजना है वह चरक संहिता की विशेषता रही। व्यापक योजना से क्या तात्पर्य है, रोग न होने देना, रोग हुआ है तो ठीक करना, और रोग होने के बाद ठीक हो गया है तो उसको फिर से ऊर्जस्कर अवस्था में ला देना, यानी अनडिजीज्ड, ट्रीटेड एंड हेल्थ प्लस, ये तीनों जो सिद्धांत रहे हैं ये चरक संहिता के अपने सिद्धांत हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे पहले आपको सिखाता है कि आप सबसे पहले जो भी कहा जाए उसको सुने और स्वयं परीक्षण करें, एम्पिरिकली आप किसी चीज को ग्रहण न करें, आप उसको प्रूव करें, परीक्षण करें, परीक्षकारों ही कुशला भवंती, परीक्षण करें फिर देखें। दूसरी चीज ये है कि जितनी भी चीजें आप परीक्षण करते हैं उनको क्लासिफाई करें सामान्यत्व और विशेषत्व के आधार पर, और उनके ग्रुप के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो चिकित्सा आप करते हैं उसमें सम्यक योगों की अवधारणा का ध्यान दें, कहां कौन सी चीज सम्यक है, कहां कौन सी चीज असम्यक। अब देना क्या है ये काय चिकित्सा वाले जानते हैं, इसलिए उस विषय में मैं नहीं कहूंगा। तो चरक संहिता में जो मूल रूप से हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक आकर ग्रंथ है, उसकी उत्पत्ति अग्निवेश तंत्र के रूप में हुई, चरक के द्वारा इसका प्रतिसंस्कार हुआ, ये महर्षि पतंजलि के अवतार माने जाते हैं जो शेषनाग के अवतार है, इसीलिए नागपंचमी के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। उनके लिखी गई पुस्तक को प्रत्येक विद्यार्थी प्रारंभ से अंत तक पढ़ता है और उस ग्रंथ के आधार पर
चिकित्सा परीक्षण की जो दृष्टि आपको मिलती है, माइंड इट, क्या मिलती है? दृष्टि मिलती है। योग नहीं, योग तो आप कहीं से भी पढ़ देंगे, जो दृष्टि मिलती है वह आयुर्वेद के सिद्धांतों का प्रणयन शुरू होता है, वहां से उसका प्रायोगिकता शुरू होती है, वहां से उसकी प्रासंगिकता शुरू होती है। और यह विषय काल बाधित है, एक योग किसी समय के लिए सही और किसी समय के लिए गलत हो सकता है, लेकिन एक सिद्धांत काल बाधित है, इसलिए प्रत्येक काल में चरक संहिता की अपनी उपयोगिता है और इस दृष्टि से देखने वाले उसका उपयोग करके जीवन में यश प्राप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।